कुणाल मौली और नंदिनी का सिलसिला दर्शकों से अलविदा ले चुका है, लेकिन अब करीब दो हफ्ते पहले बंद हुए इस सीजन के ये तीनों लीड कैरेक्टर्स एक बार फिर सीजन 2 में दर्शकों के बीच दस्तक देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। तो वैसे में आप ये जरूर सोचने लगे होंगे कि कहीं मेकर्स सीजन 2 में इन तीनों की कुछ अतीत की झलकियाँ तो नहीं प्लान कर रहे। तो हम आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि सीजन 2 में आप इन तीनों को ही देखेंगे। अब इस पर आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, क्योंकि अब आप ये कहेंगे कि शो में एक नई कहानी है और साथ ही नए किरदारों से भी रूबरू हो चुके हैं आप। जहां मौली नंदिनी की बेटियां मिष्टी परी हैं, तो वहीं इनके लव इंटरेस्ट वीर और रूहान हैं। ऐसे में अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौन रहा होगा कि अचानक आखिर ऐसा क्या हो गया कि शो में पुरानी स्टार कास्ट की एंट्री हुई है। तो लीजिए जनाब, आपके इस सवाल का जवाब हम देते हैं। दरअसल शो में कुणाल मौली और नंदिनी की ये एंट्री रूहान मिष्टी और परी के रूप में ही हुई है। जी हाँ, तो आप समझे ना आप। जैसा पहले की कहानी में मौली नंदिनी के बीच कुणाल था, अब ठीक उसी तरह मिष्टी परी के बीच रूहान है। यानी कहानी वही पुरानी वाली है, लेकिन बस किरदारों के नाम थोड़े से बदल दिए गए हैं। दरअसल करंट ट्रैक के मुताबिक भी ये कहानी लव ट्रायंगल की तरफ ही बढ़ रही है। अब रूहान को मिष्टी से प्यार हो गया है, मगर मिष्टी वीर से इंगेज्ड है। ऐसे में रूहान मिष्टी से दूर करने का फैसला कर चुका है, लेकिन वहीं वो अब परी का अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। अब अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप भी ये जानते होंगे कि परी भी रूहान को दिल ही दिल में प्यार करती है, और अब उसे भी ये लगने लगा है कि रूहान के मन में भी उसे लेकर एक खास तरह की फीलिंग्स हैं। ऐसे में अब आगे आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ इन दोनों की दोस्ती दिन पे दिन परवान चढ़ेगी, तो वहीं ये सब कुछ देखकर मिष्टी के मन में जलन की भावना पैदा होगी। दरअसल वीर को दिए कमिटमेंट के चलते मिष्टी अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुन रही है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इवेंचुअली उसे भी रूहान से ही प्यार होगा। यानी कहानी वही पुराने लव ट्राइंगल ट्विस्ट पर आकर रुक जाएगी। जहाँ पहले के सीजन में कुणाल मौली और नंदिनी का सिलसिला था, तो वहीं इस सीजन में भी बस किरदारों के नाम बदले हैं और एक नए लव ट्रायंगल ट्विस्ट का सिलसिला शुरू होगा। कुणाल की जगह है अब रूहान, तो वहीं मौली नंदिनी की जगह इस बार इन दोनों की बेटियां हैं। ऐसे में देखना काफी मजेदार रहेगा कि आगे की कहानी कैसे बढ़ेगी और हमें इस नई कहानी में कौन से नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिष्टी की वीर से शादी हो जाए और फिर इसके बाद सेम टू सेम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नई कहानी देखने को मिले। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा इस नए सिलसिले में।